नमस्कार, मैं हूं विकास सेतुड़ी और आप देख रहे हैं डीएनएन उत्तराखंड न्यूज। छतियारा खवाड़ा मोटर मार्ग पर चकोना गदेरे का पुल बीचों बीच पिछले एक वर्ष से खस्ता हाल हो रखा है, जिस कारण स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वहां से गुजरने वाले वाहनों को भी उसके ऊपर चलना खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में पिछले एक वर्ष का समय बीत गया है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग अभी तक चैन की नींद सो रहा है। लगता है किसी बड़े हादसे का इंतजार यहां पर निर्माण विभाग कर रहा है। आपको बता दें, विगत एक वर्षों से छतियारा खवाड़ा मोटर मार्ग पर जखोना गदेर का पुल अपने अंतिम दिनों को जी रहा है, लेकिन विवाद है कि आंखों पर पट्टी बांधे हुए है, कुछ भी देखने को या सुनने को तैयार ही नहीं। यह पुल लगभग एक वर्ष पूर्व से ही क्षतिग्रस्त हो रखा है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही कोई उचित उपचार इस पुल पर कर रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पुल के बीचों बीच विभाग ने काफी समय पहले एक लोहे का पटरा बनाकर पुल के बीचों बीच जहां पर पुल क्षतिग्रस्त हो रखा था वहां पर वो पटरा लगा दिया था, लेकिन एक वर्ष बाद भी अभी तक वो जो होल पुल के बीचों बीच हो गया था वो अभी भी उसी तरह बरकरार है, जिससे आने जाने वाले लोगों को इस पुल पर चलने से काफी दिक्कतें हो रही हैं। और ऐसा ना हो कि इस पुल पर इसी तरह इस बड़े होल के कारण कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो जाए। बासरगुड़ा केदार को जोड़ने वाला ये पुल अब उस हालत में पहुंच गया है कि कभी भी इस पुल पर कोई बड़ा हादसा हो सकता है और किसी निर्दोष की जान जा सकती है, लेकिन लोक निर्माण विभाग को कहां किसी की जान की परवाह पड़ी हुई है। तभी तो पिछले एक वर्षों से विभाग मौन धारण करे हुए है और चुप्पी साधे हुए है, ताकि कोई बड़ा हादसा हो जाए और उसके बाद आनंद फानंद में पुल को ठीक कर दिया जाए। हालांकि स्थानीय लोगों ने लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग से लगातार गुहार लगाई है, बार बार इस मुद्दे को लेकर वार्ता की है, लेकिन विभाग हर बार इस बात को अनसुनी कर देता है। बहरहाल, देखने वाली बात ये होगी कि अब कब तक विभाग जागता है या किसी बड़े हादसे के होने के बाद ही विभाग अपनी चैन की नींद से जागता है। टीएनएन के लिए पंकज भट्ट की रिपोर्ट।